Hello, welcome back dear students. Welcome again in this very useful session of biology. आज हम phylum Chordata का last class करेंगे mammalia और commonly इनको कहते हैं mammals. आज इनके बारे में हम detail में करेंगे. So mammals का etymological meaning की बात करें, MAMMA, इसका मैमे का मीनिंग होता है ब्रेस्ट. सो इनका रिमार्केबल फीचर यहां उभर के आता है कि दीज एनिमल हैव द मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स, दैट इज दे फीड द यंग वन बाय ब्रेस्ट. सो ये ब्रेस्ट से फीड करवाते हैं. और मेल हो फीमेल हो, उसमें जो ममेस जो स्ट्रक्चर्स हैं आगे थोरेक्स चेस्ट के ऊपर ये बने होते हैं, और फीमेल में ज्यादा डेवलप हो जाते हैं तो इसको हम क्या कह देते हैं, ब्रेस्ट. तो ये ब्रेस्ट फीड करवाते हैं. तो इटमोलॉजिकली जो क्लास में मिलिया है इसके अंडर क्या आते हैं, वो ऑर्गेनिज्म आते हैं जिसमें ब्रेस्ट डिवेल्प होती है. ये इसका एक खास फीचर्स है. और बाकी इसमें क्या क्या फीचर्स हैं वो आज के वीडियो में डिटेल में करेंगे. सो फर्स्ट इसके जनरल कैरेक्टर्स में हम करेंगे इसकी बॉडी फॉर्म. जो मैमल्स होते हैं उनकी जो बॉडी फॉर्म है अलग अलग तरह की होंगी, डिफरेंट टाइप्स. एंड बेसिकली बॉडी के चार सेगमेंट होते हैं, हेड, नेक, ट्रंक, टेल. चार हिस्सों में बॉडी जो है डिवाइडेड होती है. और बेसिकली अगर हम बात करें फ्रॉम द लोअर, अगर आप मंकीज, गोरिल्ला, चिंपैंजीज देखो तो आपको उनका हेड मिलेगा, फिर उसकी नेक मिलेगी, फिर बॉडी मिलेगी, फिर एंड में उनके टेल्स होती है. ट्रंक जो है पूरा आगे, हेड नेक के नीचे जो सारी बॉडी है उसको ट्रंक से रिप्रेजेंटेटिव कर देते हैं. तो बेसिकली इनकी बॉडी के ये पैटर्न्स होते हैं. उसके बाद बात करेंगे इनमें अपेंडिजेस. इनमें जो अपेंडिजेस होते हैं उनको हम लिम्स कहते हैं. वेल डेवलप होते हैं बर्ड्स की तरह. इनमें भी फोर लिम एंड हाइंड लिम है. तो इसके जो आगे वाले लिम्स है उसको कहेंगे फोर लिम्स, पीछे वाले कहेंगे हाइंड लिम्स. तो आगे वाले जो है उसको आर्म से रिप्रेजेंट करते हैं, और पीछे वाले जो होते हैं उनको लेग से हम रिप्रेजेंट करते हैं. तो इसके जो अपेंडिजेस हैं स्टूडेंट्स, उससे ये अलग अलग तरह के काम लेता है. वॉकिंग भी करते हैं मैमल, जंपिंग करते हैं, स्विमिंग भी करते हैं, रनिंग भी करते हैं. सो ये इनके फीचर्स हैं. और कई मैमल्स जो हैं फ्लाई भी करते हैं. सो ये इनके अपेंडिजेस के काम है. और इनके जो अपेंडिजेस की बात करूं, जैसे मैं आपको अपनी एग्जांपल से ह्यूमन से ही समझाऊं, तो हमारी जो आर्म्स हैं ये फोर लिम्स हैं, जो लेग्स हैं वो हाइंड लिम्स हैं. और आर्म्स की जो बोन होगी ह्यूमरस, नीचे आ जाएगी रेडियस अल्ना, उसके बाद आपके हाथों की हड्डियां आ जाएंगी, हथेली की फ्लेंजेस, पूरे यहां से हड्डियां आ जाएंगी, कार्पल, मेटाकार्पस और डिजिट्स. और इनकी जो डिजिट्स होते हैं, जो इसकी उंगलियां होती हैं वो पांच होती हैं. इसको कहते हैं पेंटाडेक्टाइली. और जो फोर आर्म के जो फोर लिम्स के हाथों की उंगलियां होती हैं उसको हम फिंगर्स कहते हैं, जो आपको पता ही है. और जो पांव की होती है उसको हम टो कहते हैं, टोस. ठीक है, ये आपको इसके रिगार्डिंग सारा पता है. स्केलेटन सिस्टम का मैंने वीडियो डाला है, वहां से आप देख सकते हो. मुझे उम्मीद है आपको बॉडी फॉर्म और इनके अपेंडिजेस के बारे में पूरी क्लियरेंस हो गई होगी. इसके बाद जो नेक्स्ट इसके फीचर्स हैं, नेक्स्ट इसमें आता है इनकी स्किन. जो मैमल्स की जो स्किन है दैट इज हाईली डेवलप. And contain mostly most of glands.
मैमल्स की स्किन में काफी तरह के ग्लैंड्स होते हैं, जो आप कह सकते हो सबसे ज्यादा जो ग्लैंड्स हैं वो मैमल की स्किन में होते हैं। इसमें आपको ऑयल ग्लैंड भी मिलेंगे जिसको सेबेसियस ग्लैंड्स कहते हैं, स्वेट के ग्लैंड भी मिलेंगे पसीने वाले, इसको स्वेट ग्लैंड भी कहते हैं। बैक्स वाले ग्लैंड आपके ईयर में होते हैं, ठीक है, जहां से आपके कान का मोम निकलता है, क्रियूमस ग्लैंड्स। टीयर्स वाली ग्लैंड्स होती हैं, उसको कहते हैं लैक्रिमल। सो अलग अलग तरह के इसमें इनकी बॉडी में ग्लैंड्स होंगे और स्किन जो है हाईली डेवलप है, और स्किन की जो ऊपर वाली लेयर है उसको कहते हैं एपिडर्मिस और नीचे आती है हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस के नीचे होती है मसल लेयर, मसल लेयर के नीचे होती है पेरिटोनियम, और पेरिटोनियम के नीचे जो बोन्स आ जाती हैं। सो इस तरह से ये इसके सेगमेंट्स होते हैं लेयर के स्किन के, तो इसकी स्किन की काफी ज्यादा लेयर्स होती हैं। साथ में आपको डायग्राम नजर आ रहे होंगे, उससे आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। आगे हम बात करेंगे विद रिगार्डिंग द मैमल्स देयर स्केलेटन। इनका जो स्केलेटन है वो बोनी होता है, बोन का बना होता है, काफी मजबूत इनमें हड्डियां होती हैं, काफी लंबी हड्डियां, सबसे छोटी हड्डियां मैमल्स में मिलती हैं, सबसे लंबी हड्डियां भी, ठीक है जी। जैसे आपके बॉडी में सबसे लंबी हड्डी है फीमर अपर लेग की, ठीक है, थाइस की जो बोन है, सबसे छोटी जो है ये आपकी आ जाएगी लार्जेस्ट, सबसे छोटी आएगी स्टेप्स, ये आपके ईयर में होती है, ये स्मॉलेस्ट है। और इसमें जो स्कल हाईली डेवलप है, स्कल में दो कोंडाइल्स होते हैं, लोब्स ओसिपिटल्स लोब दो होते हैं, इसको कहते हैं डाई कोंडाइलिक, कंडाइलस और कंडाइलिक दो कंडाइल्स है। उसके बाद इसमें एटलस और एक्सिस फर्स्ट टू वर्टिब्रास हैं, इससे नेक मूवमेंट होती है इनमें। उसके बाद जो गर्दन है उसके अलग से वर्टिब्रास होते हैं, उसको कहते हैं सर्वाइकल, सर्वाइकल के बेसिकली इनमें सेवन वर्टिब्रास होते हैं। और मैमल्स में जिराफ की सबसे लंबी नेक है, उसके नेक के वर्टिब्रास काफी लंबे हैं, जो उसकी सर्वाइकल आ जाती है, सर्वाइकल ऊपर आपके आ जाएंगे एटलस और एक्सिस, उसके बाद आ जाएगा सर्वाइकल, उसके बाद जो छाती है उसमें आ जाता है थोरेसिक, थोरेसिक के वर्टिब्रा, फिर लोअर बैक के आ जाते हैं ल्यूम्बर, उसके बाद आ जाते हैं सैक्रल, उसके बाद टेल के आते हैं कोकीजियल। सो इसकी जो कह सकते हैं जो वर्टिब्रा कॉलम बनता है, और इसमें इस तरह से वर्टिब्रा कॉलम में आर्कीज होती हैं, टेढ़ी मेढ़ी होती है, इसमें कर्व्स बनी होती हैं और इनर डिप्रेशंस बने होते हैं। उसके बाद बात करेंगे इसमें हड्डियों में, बाकी जो थोरेक्स है उसमें रिब्स का केस होता है, पसलियां होती हैं, उसमें आपके आ जाता है लंग्स कवर्ड होते हैं, ठीक है। उसके बाद अपेंडिकल स्केलेटन आ जाता है हाथों और पैरों का, और ये सारा इसके स्केलेटन के अंडर आता है। उसके बाद नेक्स्ट जो है मैमल्स में, नेक्स्ट इसमें है इसके सिस्टम। फर्स्ट हम बात करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है, दो में डिवाइडेड है, एलिमेंट्री कनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। एलिमेंट्री कनाल जो है माउथ से स्टार्ट हो जाती है, उसके बाद एनस तक,
और डाइजेस्टिव ग्लैंड में लीवर आ जाएगा, पैनक्रियास, इंटेस्टाइन, आपका स्टमक, ये डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं। उसके बाद सलाइवरी ग्लैंड्स इसके मुंह में होती हैं, ये अलग अलग तरह के जूसेस सीक्रेट करती हैं, एंजाइम एंड हॉर्मोन्स। और माउथ की बात करेंगे, माउथ में काफी बड़ी अंदर कैविटी होती है, बकल कैविटी। उसके बाद इसके जॉज होते हैं, अपर एंड लोअर जॉज। जॉ में सॉकेट में टीथ एम्बेडेड होते हैं, उसको कहते हैं थीकोडोंट। इनके जो टीथ होते हैं वो जॉज में एम्बेडेड होते हैं गम्स के साथ, और दो बार टीथ निकलते हैं, इसको कहते हैं डाइफायोडोंट्स या बाइफायोडोंट्स। एक निकलते हैं मिल्क टीथ, उसके बाद निकलते हैं परमानेंट। और टीथ के अलग अलग टाइप्स हैं, आगे वाले आ जाते हैं इंसीजर, केनाइन, प्री मोलर और मोलर, ये टीथ्स होते हैं। मुझे उम्मीद आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद मुंह में इसके सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स। मैमल्स में जैसे आप में पैरोटिड ग्लैंड है, सबलिंगुअल है, सब मैक्सिलरी, तीन पेयर सलाइवरी ग्लैंड्स के होते हैं, और वो सलाइवरी अमाइलेज सीक्रेट करते हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट को डाइजेशन करवाता है। उसके बाद इसमें टंग हाईली डेवलप है, टंग में इसके टेस्ट बर्ड्स होते हैं, और अलग अलग तरह के जो फूड है उसको टेस्ट कर लेता है, बेटर, सौर, सॉल्टी, स्वीट, सभी तरह के टेस्ट को ये टेस्ट कर पाता है। उसके बाद इसमें आ जाता है फेरिंग्स, मौत के बाद आ जाता है इसमें फेरिंग्स, जिसको ग्रस नली कहते हैं। फेरिंग से आ जाती है ईसोफेगस, भोजन नली, फूड पाइप। उसके बाद आ जाता है स्टमक, स्टमक के बाद आती है स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके बाद आ जाता है लार्ज इंटेस्टाइन, देन आ जाता है एनस। सो स्टमक के भी दो पार्ट है, कार्डियक एंड पैलोरिक, आपको पता होगा। इंटेस्टाइन के तीन पार्ट है, ड्यूडेनम, इलियम, जिजनम, और इसके लार्ज इंटेस्टाइन के कॉलम, रेक्टम, एनस। और लीवर इसमें हाईली डेवलप होता है, ठीक है, लीवर के चार लोब्स होते हैं इसमें, और गॉल ब्लैडर होता है, गॉल ब्लैडर इसमें वाइल जूस क्रिएट करता है जो कि फैट की डाइजेशन में हेल्प करता है। गॉल ब्लैडर है, लीवर है, पैनक्रियाज, पैनक्रियाज इसमें हेट्रोक्राइन ग्लैंड है, और ये एंजाइम एंड हार्मोन दोनों सीक्रेट करता है। और ये था इसके डाइजेस्टिव सिस्टम के रिगार्डिंग। और एक्स्ट्रा जो फूड है इसके लीवर में स्टोर हो जाता है, और रीनल पोर्टल सिस्टम इसमें डेवलप होता है, और वहां से हिपेटिक पोर्टल सिस्टम भी है। फूड जो है डायरेक्टली सराउंडिंग बॉडी पार्ट्स को मिल जाता है, और डाइजेस्टेड फूड जो है ब्लड के साथ मिलके पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। और इसके साथ ही नेक्स्ट सिस्टम इसमें आता है सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम जिसको लहू गेड प्रणाली कहते हैं, ये हार्ट और वेसल्स में डिवाइडेड है। इसमें जो हार्ट होता है, फोर चैम्बर है, हार्ट के फोर चैम्बर है, ऐसे आप देख सकते हो। ऑरिकल्स, राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल, ठीक है, चार चैम्बर्ड है। उसके बाद इंफीरियर एंड सुपीरियर वेना कैवा वेन्स होती हैं, तो पूरी बॉडी से इंपीरियर ब्लड जो है राइट ऑरिकल को लेके आती हैं। जो वेन्स हैं आपको पता है वो हार्ट को ब्लड लेके आएंगी, जो आर्टरीज हैं ये हार्ट से ब्लड बॉडी को लेके जाएंगी। साथ में इसका लंग्स के साथ कनेक्शन होता है, दो लंग्स होते हैं मैमल्स में, और जो राइट राइट ऑरिकल यहां आएगा, राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से ब्लड पूरा लंग्स को चला जाता है, लंग्स से प्यूरिफाइड होके फिर लेफ्ट ऑरिकल में आता है, लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में फिर जाएगा पूरी बॉडी में।
तो इसमें डबल सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। क्या होता है? डबल सर्कुलेशन, यानी इसमें हार्ट जो है दो बार ब्लड पंप करता है, एक बार इम्प्योर ब्लड पंप करता है हार्ट लंग्स को, फिर लंग्स से वो प्योर ब्लड आता है, फिर वो पूरी बॉडी को पंप करता है, ठीक है। और इसका जो हार्ट होता है वो एक कैविटी में ही बैडर होता है, जिसको कहते हैं पेरिकार्डियम। ये सिलोम का पार्ट होता है बॉडी कैविटी का, और इसकी जो कैविटी है उसको कहते हैं पेरिकार्डियम। और लेफ्ट साइड हार्ट होता है बेसिकली मैमल्स में, और कहीं में राइट साइड भी हो सकता है। और रिब्स जो है उससे ये कवर्ड होता है विद द मसल्स। और जो हार्ट है वो कार्डियक मसल का बना होता है, और इनका जो हार्ट होता है वो मायोजेनिक होता है, यानी नॉट डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ द नर्वस सिस्टम। इसमें ये सेल्फ पल्सेटिंग स्ट्रक्चर होता है, इसको पेसमेकर कहते हैं, अपने आप ये हार्ट बीट जनरेट होती है। उसके बाद इसमें वेन्स एंड आर्टरीज हैं, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, ब्लड सिर्फ वेसल्स में फ्लो करेगा। सर्कुलेटरी सिस्टम जो है उसके बाद इसमें आ जाता है रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये भी साथ में ही कनेक्टेड है। जो रेस्पिरेशन है ये बेसिकली एयर में सर्वाइव करते हैं, तो इसमें लंग्स होंगे, लंग से रेस्पायर करता है, इसको कहते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन। और पल्मोनरी रेस्पिरेशन है, इसके जो लंग्स है वो कैविटी में इनबेडेड होते हैं, उसको कहते हैं प्लूरल कैविटी, और थोरैक्स में इनवेडेड होते हैं, और इसके अराउंडिंग एक फ्लूइड होता है जिसको कहते हैं प्लूरा। प्लूरा से इसका जो लंग्स है वो उनको शॉक अब्सॉर्प्शन मिलती है, लंग्स डैमेज नहीं होता, और लंग्स इसके जो है रिब केज में इनवेडेड होते हैं। आगे जो चेस्ट वाली जो आगे की जो हड्डी होती है इसको कहते हैं स्टर्नम, जहां से देख लीजिए स्टर्नम पीछे आ जाएगा वर्टिब्रल कॉलम इसके डायरेक्टली, ऐसे समझ सकते हो, और ऐसे रिब्स का कनेक्शन बना होता है आगे और पीछे इस तरह से। और इसमें लंग्स होता है और साथ में हार्ट इनवेडेड होता है, यानी जो रिब्स होती हैं इस तरीके से एक हार्ड केस प्रोवाइड कराती हैं, और रिब्स में मसल्स होते हैं, और उससे जो हार्ट को भी हेल्प मिलती है देयर पंपिंग, एज वेल एज लंग्स को हेल्प मिलती है। और लंग्स जो है इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन अच्छे से करता है, और डायाफ्राम होता है नीचे, जहां से ऐसे समझ सकते हो इस तरीके से थोरैसिक कैविटी एंड करती है, यहाँ डोम शेप स्ट्रक्चर होता है डायाफ्राम, ऊपर नीचे होने से लंग्स को एक्सपैंड और कंट्रैक्ट करवाने में ये हेल्प करता है। और इसमें ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड काफी अच्छी होती है, और इसमें इम्प्योर और प्योर ब्लड की कोई मिक्सिंग नहीं होती। उसके बाद इसमें आता है एक्सक्रीटरी सिस्टम, इसमें किडनीज वेल डेवलप होती हैं, उसको कहते हैं मेटानेफ्रिक किडनी। किडनी के दो पार्ट्स होते हैं, बीन शेप्स किडनी होती है, ठीक है। किडनी के दो पार्ट है कॉर्टेक्स एंड मेडुला, बाहर का कॉर्टेक्स अंदर का मेडुला, और इसमें नेफ्रॉन्स अच्छे होते हैं, अच्छे डेवलप होते हैं स्ट्रक्चर यूनिट है किडनी के, और फिल्ट्रेशन से ब्लड को फिल्टर करके यूरिन फॉर्मेशन में हेल्प करवाते हैं। और उसके बाद बात आती है इसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। मैमल्स का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वेल डेवलप है, मेल एंड फीमेल की अच्छी डिमार्केशंस है, सेक्स सेपरेट है, और गोनाड है, और उसमें गोनोडक्ट होती हैं जैसे टेस्टिस ओबरी दोनों की अलग अलग डक्ट्स होंगी, और टेस्टिस की जो स्क्रीशन है वो यूरिथ्रा से होके पेनिस से जाती है मेल्स में, और यूरिनरी और सेक्सो स्क्रीशन एक जगह से ही निकलती हैं। ओबरी की होती है ओविडक्ट, और वो खुलती है या के यूटरस में, यहाँ बेबी इम्प्लांट होता है, और किडनी का सिस्टम अलग होता है, यानी फीमेल्स में दो ओपनिंग होती हैं, यूरिनरी स्क्रीशन के लिए अलग और रिप्रोडक्टिव स्क्रीशन के लिए अलग। एक्सटर्नल जेनिटली अच्छा डेवलप होता है, फीमेल में जो होता है उसको कहते हैं वजाइना, और मेल में जो होता है उसको कहते हैं पेनिस।
कॉपुलेटरी स्ट्रक्चर अच्छे से इनमें डेवलप है। उसके बाद हम बात करेंगे इनमें फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है जो लोअर मैमल्स हैं वो एग ले करते हैं, उसको कहते हैं ओबीपेरस, जैसे डकबिल प्लेटिपस हो गया, एक्डिना हो गया, और जो हायर हैं वो बर्थ करते हैं जंगवन को, उसको कहते हैं बेबी पेरस या बीबी पेरस। ठीक है, फर्टिलाइजेशन इसमें इंटरनल होगी और प्लेसेंटा डेवलप होता है, जो ऊपर वाली स्टार्टिंग वाले फॉर्म है मार्सुपियल आते हैं उसमें, कंगारूज वगैरह उनमें प्लेसेंटा नहीं होता, एब्सेंट होता है। जो हायर आते हैं यूथीरिया में उसमें प्लेसेंटा डेवलप होता है, दे आर प्लेसेंटल, प्लेसेंटल मैमल्स। और इसमें ब्रीडिंग साइकिल चलता है, फीमेल्स में ईस्टर साइकिल प्राइमेट्स में चलता है, और उसके बाद चलता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, दो तरह के साइकल्स होते हैं, और फीमेल में रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बनता है, एग ले करती है, और पॉवर्टी फीमेल में जल्दी अटेन हो जाती है, मेल में लेट अटेन होती है। उसके बाद आता है टेम्परेचर, अपनी बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं, एंड दे आर एंडोथर्मिक, इसलिए इनको क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक मैमल्स, एंडोथर्मिक होते हैं। उसके बाद इसमें जो सीलोम है, बॉडी कैविटी चार पार्ट्स में डिवाइडेड है, फर्स्ट इसमें आएगा पेरिकार्डियल जिसमें हार्ट होता है, ठीक है, उसके बाद इसमें आती है पेल्यूरल कैविटी लंग्स के लिए, एब्डोमिनल में एब्डोमन यानी आपके पेट के स्ट्रक्चर आ जाते हैं डाइजेशन के, बाकी विसरल, विसरा विसरा के ऑर्गन, विसरल कैविटी। सो सिलोम इसमें हाईली डेवलप है और साइजो सिलोम होता है इसमें। और ये थे इसके जनरल करेक्टर्स मैमल्स के, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट हम इसकी करेंगे क्लासिफिकेशन, फर्स्ट हम इसमें क्लासिफिकेशन से पहले इसकी नेचुरल हिस्ट्री देखेंगे और ओरिजिन और स्पीसीज। जो नेचुरल हिस्ट्री है ये पानी में भी मिलते हैं, एक्वाटिक भी होते हैं, जैसे वेल एक मैमल है ब्लू वेल, और बियर्स जो है पोलर बियर पानी में भी तैर सकते हैं, और उसके बाद उड़ भी सकते हैं बैट्स, एरियल है, उसके बाद जमीन के ऊपर चलते हैं टेरेस्ट्रियल, अर्बोरियल भी हैं, पेड़ों के ऊपर भी रहेंगे, मंकीज वगैरह गोरिल्लास वगैरह, बरों में भी रहते हैं रैट्स वगैरह, काफ़ी तेज भी चलते हैं, ठीक है, फ्रसोरियल है, और डस्क एंड डॉन में भी एक्टिव होते हैं कुसोरियल फसोरियल, और काफ़ी तरह के इसमें बिहेवियर है, और कार्निबोरस भी हैं, हर्बीबोरस भी हैं, और ओमनीबोरस भी हैं। तो ये था इसके नेचुरल हिस्ट्री में। उसके बाद आता है इसका ओरिजिन, इनका ओरिजिन क्या हुआ, कब हुआ इनका ओरिजिन, इनका जो ओरिजिन है वो बेसिकली इनका जो ओरिजिन है वो थीरा पसिड, थीरा पसिड इसमें मैमल लाइक रेप्टाइल है, इसमें रेप्टाइल से इनका ओरिजिन हुआ है ट्राइएसिक, ट्राइएसिक पीरियड में, और इनका जो ये मैमल्स जो है बर्ड से पहले बने हैं, बिफोर बर्ड्स, यानी इनका जो एवोल्यूशन है मैमल्स का वो बर्ड से पहले हुआ है ट्राइएसिक पीरियड में, और 220 मिलियन ईयर अगो, और इसकी 4500 स्पीसीज हैं, ऑलमोस्ट 4500 इसके स्पीसीज हैं 4.5 के। और जो मैमल्स हैं इसको हम क्वाड्रीपल्स भी कहते हैं, क्वाड्रीपल, क्वाड्रीपेडल या क्वाड्रीपल्स, चार पैरों के ऊपर चलते हैं, फर्स्ट ईयर कैस्टर इसके हैं वो चार पैरों के ऊपर चलते थे, मैमथ आपने सुना होगा, इनकेस्टर्स हैं इसके, और एडवांसमेंट शो करते हैं
इनके काफी करेक्टर्स हैं, गो बर्ड से इनको ज्यादा एडवांस करवाते हैं। हार्ट इसमें बेटर डेवेलप है, ब्रेन अच्छा डेवेलप है, सबसे ज्यादा ब्रेन मैमल्स में ही डेवेलप है। ब्रेस्ट फीडिंग ये इसका बिहेवियर है, और टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं, पैरेंटल केयर काफी करते हैं, और हर तरह के एनवायरनमेंट में फ्लाई भी कर सकते हैं, रन भी कर सकते हैं, हुपिंग भी कर सकते हैं, बरों में भी रहते हैं, और ओमनिवोरस है, प्रीडेशन भी है, शिकार भी करते हैं। ठीक है, अब लास्ट में आती है इसकी क्लासिफिकेशन, ब्रीफ क्लासिफिकेशन यहां मैं ड्रॉ कर रहा हूं, यहां से समझ लीजिए। क्लासिफिकेशन ऑफ क्लास मेमलिया, सो यहां देख लीजिए इनके ब्रीफ क्लासिफिकेशन मैंने ड्रॉ की है। क्लास मेमलिया जो है इसकी दो सब क्लासेस हैं, प्रोटोथीरिया नंबर वन, यूथीरिया नंबर टू। प्रोटोथीरिया में प्रिमिटिव टाइप आते हैं और एगलिंग मैमल्स भी कहते हैं। इसमें एक सिंगल ऑर्डर है, एक ही ऑर्डर है इसका, दैट इज अ मोनोट्रीमेटा। इसमें आपके आ जाते हैं एक्टिडीना, डकबिल प्लेटिपस, और उसके बाद आता है थीरिया, जो सब क्लास थीरिया है। इसकी दो इंफ्रा क्लासेस हैं, नंबर वन एंड टू। पहली है इसकी मेटा थीरिया, फिर आता है यू थीरिया। जो मेटा थीरिया है इसमें आते हैं मार्सुपियल्स, इसमें प्लेसेंटा नहीं होता, कंगारू इसमें आता है। ठीक है जी, उसके बाद प्लेसेंटा वाले हैं यूथीरिया, इसके 16 ऑर्डर हैं। इसका मेटाथीरिया का आगे को ऑर्डर नहीं है। इंपॉर्टेंट इसमें है इंसेक्टिवोरा, जो इंसेक्ट्स को खाएंगे, प्राइमेट्स, चायरोपेट्रा, इडेंशिया, रोडेंशिया, लेगोमोर्फा, किटेशिया, कार्निवोरा, प्रोबोसीडिया, प्रिसो डिक्टिला, आर्टियो डिक्टिला। इसमें इंपॉर्टेंट मैं बता देता हूँ, प्राइमेट्स में आपके मंकीज, गुरीला, रेंगोटाइन, चिंपैंजीज, ह्यूमंस आते हैं। चायरोपेट्रा में बैट्स आते हैं। इसमें पेटीजिया बना होता है, विंग लाइक, जिससे जुड़ सकते हैं। रोडेंशिया में ज्यादा उतरने वाले जीव आते हैं, रैट्स वगैरह, स्क्वायरल्स, जिनट्स खाएंगे, और इनके जो टीथ है वो बढ़ते रहते हैं। इसमें पल्प कैविटी जो है बंद नहीं होती कभी। उसके बाद आता है कार्निवोरा में मांस खाने वाले, आपके ल्यूपार्ड, लवाइन, टाइगर आ जाते हैं। प्रोबोसीडिया में एलिफेंट आते हैं, और आर्टिको डिक्टिला में आपके आ जाते हैं गोट, काऊ, बुफेलो, हॉर्स वगैरह। सो ये थी इसकी ब्रीफ क्लासिफिकेशन, और मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो मेरा काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग द क्लास मेमलिया। और विद डायग्रामेटिकली मैंने आपको करवाने की कोशिश की है। और कैसा वीडियो लगा काइंडली कमेंट करिएगा। इससे इसके साथ मैंने आपको कवर करवा दिया नॉन कोऑर्डिनेट एंड कोऑर्डिनेट्स के सारे फाइलम। तो ये कोऑर्डिनेटा फाइलम जो है उसके लास्ट क्लास था मेमलिया। कैसा वीडियो लगा काइंडली कमेंट करिएगा। ये सबसे एडवांस्ड है एनिमल किंगडम में, और प्लांट किंगडम में सबसे ज़्यादा एडवांस है एंजियोस्पर्म। जल्दी ही हम एनिमल किंगडम का पूरा एमसीक्यू का सेशन करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और जो भी स्टूडेंट्स मास्टर कैडेट प्रेपरेशन करना चाहते हैं, नीट प्रेपरेशन करना चाहते हैं, हमसे आप क्लासेस ले सकते हो। थैंक यू वेरी मच।